हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल मापारी और आपके साथ आज एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ जो हमें पता चली वो शेयर करना चाहता हूं। उसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना है अबाउट प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जाम CSIR NET। तो NTA ने 16 अक्टूबर 2020 मतलब आज ही एक नोटिफिकेशन जारी किया है। आप उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं जहाँ पे लेटेस्ट NTA मतलब उनकी न्यूज़ एंड इवेंट जो भी होता है वहाँ पे उन्होंने एक नोटिस जारी की है, पब्लिक नोटिस। और जिसका हमें था इंतज़ार वो घड़ी अब आने वाली है, क्योंकि बहुत दिनों से प्रिपरेशन में थोड़ा सा स्लोनेस आया होगा आपके, लेकिन डेट आ चुकी है और तैयारियाँ करनी है। तैयारियाँ शादी की नहीं, हमें एग्ज़ाम की करनी है। नहीं तो आप सोचेंगे कि तैयारी करनी है, मतलब वो तो फेमस वर्ड है ना कि तैयारी बहुत करनी है, तो शादी के लिए तो शादी नहीं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको नोटिस दिखा देता हूँ सीधे सीधे। पब्लिक नोटिस क्या कहती है, क्या डेट वो मतलब दे रहे हैं और किस कंडीशन के साथ दे रहे हैं, मतलब वो नोटिस क्लियरली हम हमें समझ में आएगा। तो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का ये पब्लिक नोटिस है, ऑन डेटेड 16 अक्टूबर 2020। तो सब्जेक्ट है इसका रीशेड्यूल डेट्स फॉर द ज्वाइंट CSIR UGC NET जून 2020। और इसमें ये कहते हैं, कीपिंग इन व्यू द एकेडमिक इंटरेस्ट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दैट इज MHA हैज एग्रीड टू द प्रपोजल ऑफ MHRD, नाउ इट इज कॉल्ड MOE दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, फॉर कंडक्टिंग वेरियस एंट्रेंस एंड अदर एग्जामिनेशंस। तो मतलब इच्छा रखते हैं एग्जाम कंडक्ट करने के लिए, तो इसीलिए शायद ये नोटिस आज जारी हुआ है। नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंगली इन मॉडिफिकेशन ऑफ डेट्स अनाउंस अर्लियर एंड इन कंसल्टेशन विद काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च दैट इज CSIR, द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट द जॉइंट CSIR UGC NET जून 2020 ऑन 19, 21, 21 एंड 26 नवंबर 19, 21 एंड 26 नवंबर 2020। तो ये डेट उन्होंने डिसाइड की है एग्जाम के लिए। भले ही उन्होंने नेक्स्ट बोला है एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग, द डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड इंडिकेटिंग रोल नंबर, सेंटर, डेट, शिफ्ट एंड टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन विल कॉमेंस शॉर्टली बिफोर द डेट ऑफ एग्जामिनेशन ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द सेड एग्जामिनेशन। तो इन्होंने ये भी कहा है कि वो सब एडमिट कार्ड वगैरह आपको मिलेंगे। तो द कैंडिडेट्स एंड देयर पेरेंट्स आर एडवाइज टू कीप विजिटिंग द ऑफिशियल वेबसाइट। ऑफिशियल वेबसाइट के मतलब विजिट करते रहिए CSIR NET या फिर NTA के। तो उन्होंने एडमिट कार्ड जो बोला है बिफोर डेट ऑफ एग्जामिनेशन शॉर्टली, तो ठीक है, मतलब उसका भी नोटिफिकेशन वो वहाँ पे देंगे कि हॉल टिकट आया है या नहीं आया है, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम के पहले 15 दिन पहले वगैरह वो दे देते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ लगी मुझे, क्योंकि वो इच्छा रखते हैं एग्जाम देने की। इतने सारे स्टूडेंट बहुत प्रिपरेशन भी थोड़ा सा है ना 19-20 हो जाता है, लेकिन अभी डेट आई है और हमें पढ़ना है, अच्छे से प्रिपरेशन करना है। अभी ये मत बोलिए, जिन्होंने, मैं एक बात आपको गारंटी के साथ यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने भी ये लॉकडाउन टाइम बहुत ही अच्छे ढंग से यूटिलाइज किया होगा, उसको मैक्सिमाइज किया होगा पढ़ाई की रिगार्डिंग, उनकी ये एग्जाम बहुत सिंपल होने वाली है। और जिन्होंने ये लॉकडाउन पीरियड अच्छे से यूज नहीं किया और अब वो बोलेंगे कि बहुत कम टाइम है कैसे पढ़ू, बहुत टाइम था, बहुत कम टाइम तो अब लग रहा है ना। तो जरूर पढ़ने वालों का ही टाइम अच्छा रहता है। एनीवेज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ जो मुझे शेयर करनी है, आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। देखिए, मेरे चैनल पे ऑलमोस्ट 200+ वीडियो है, 205-6 कुछ वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, राइट। अब होता यह है कि आप जो भी टॉपिक सर्च करते हैं यूट्यूब पे तो बहुत सारे वीडियोस आते हैं ना, लेकिन आप टॉपिक वाइज अगर वीडियो होंगे तो आप अलग अलग लोगों के देख लीजिए, है ना। लेकिन चलिए ठीक है, मुझे बाकी चैनल का ये नहीं कुछ बोलना नहीं उसके बारे में, लेकिन मेरा चैनल आपके लिए कैसे यूजफुल होगा, कैसे आप वो इन्फॉर्मेशन अच्छे से कम टाइम में प्रिपरेशन के लिए अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, वो सिर्फ मुझे बताना है। तो मेरे चैनल पे 200+ वीडियोज हैं, बहुत सारी अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हैं,
उस प्लेलिस्ट में मैं जैसे रियल एनालिसिस है कॉम्प्लेक्स आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो जैसे अलग अलग प्लेलिस्ट है तो उसमें जाके आप सपोज रियल एनालिसिस का आपको कुछ टॉपिक पढ़ना है ना, तो उसमें जाके आप रियल एनालिसिस के टॉपिक्स पर्टिकुलर, मैंने टॉपिक्स भी बहुत सारे शेयर किए हैं, लिमिट पॉइंट, इसकी कंसेप्ट, बहुत सारे कंसेप्ट शेयर किए हैं, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी वगैरह, तो आप टॉपिक्स भी देख सकते हैं। और उसके साथ साथ मैंने रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, सारी सब्जेक्ट पे बहुत सारे सीएसआर नेट के बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड किए। अभी लेटेस्ट मतलब जो रिसेंटली मैं टॉपिक पे थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ, लेकिन उसके पहले मैंने बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड किए हैं विथ कंसेप्ट, मतलब क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करना नहीं, तो उस टाइप का क्वेश्चन कोई भी आए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। आपको क्या करना है, आपको चैनल पे जाना है, पहले तो यूट्यूब में जाइए और जस्ट टाइप राहुल मापारी, राहुल मापारी एंड जस्ट एंटर। हाँ मतलब आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो यूट्यूब पे राहुल मापारी आपको टाइप करना है, और उसके साथ जैसे ही पहला ही एक चैनल का पेज जो आता है, पहला ही राहुल मापारी था जो भी सब्सक्राइबर लिख के आता है, 204 वीडियोस, तो उस पे क्लिक करना है। मतलब आप मेरे चैनल के पेज पे जाइए, वहां से आपको बहुत अच्छे से वो सारी चीजें समझ में आएगी कि कैसे सर्च करना है वीडियोस को, है ना। नहीं तो एक रैंडमली वीडियो देख लिया, दूसरा दिख नहीं रहा है, ऐसा नहीं। तो इस टाइप से मेरा चैनल पेज ओपन हो जाएगा, इजी मैथमेटिक्स बाय राहुल मापारी। इसमें आप अगर देखेंगे तो देखिए आप प्लेलिस्ट एक ऑप्शन है, जैसे होम वीडियोस प्लेलिस्ट, आप प्लेलिस्ट पे जाइए। आपको अच्छे से कोई टॉपिक प्रिपेयर करना है तो, अदरवाइज एक ही टॉपिक कोई भी आपने जो प्रॉब्लम है वही देखा तो ठीक है, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना है, वो टॉपिक कवर करना है, तो प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको दिखेगा यहाँ पे, देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड स्ट्रैटेजी, सीएसआर नेट, ऐसे अलग अलग प्लेलिस्ट है, लीनियर अलजेब्रा है, रियल एनालिसिस है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, मॉडर्न अलजेब्रा है। हाँ कुछ हॉबीज वगैरह वो नहीं देखना है आपने। उसके बाद सीएसआर नेट जून 2018 की पूरी आंसर की मैंने अपलोड की है। उसके बाद दिसंबर 18 की, जून 18 की, दोनों की ओडीपीडी है, कैलकुलस ऑफ एरेशन की पूरी सीरीज है, एक वो सीरीज आप देख लेंगे तो पेपर आपका कवर हो जाएगा। तो ऐसे प्लेलिस्ट में जाके उसके बाद आपने अगर फुल व्यू फुल प्लेलिस्ट किया कोई भी प्लेलिस्ट में जाके, तो आपको मैंने जैसे अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड स्ट्रैटेजी पे क्लिक किया है, उसके बाद आपको देखिए इस साइड में ये सारे वीडियोस दिखेंगे। तो आप यहाँ से देखिए बहुत सारे वीडियोस हैं, हाउ टू, ये देखिए लास्ट मंथ प्रिपरेशन वाला वीडियो है, इसमें टिप्स एंड स्ट्रैटेजी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हर सब्जेक्ट के, कितना पढ़ना है, इंपॉर्टेंट बुक्स का वीडियो है, बहुत सारे हैं, उसका कट ऑफ सिलेबस एनालिसिस, कट ऑफ एनालिसिस, ऐसे बहुत सारे वीडियोज है। मतलब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड स्ट्रैटेजी की बात करो, अगर आप रियल एनालिसिस के या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के प्लेलिस्ट पे जाएंगे, मैं दिखाता हूँ आपको एक प्लेलिस्ट, सारी प्लेलिस्ट तो नहीं, आप देख लेना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की प्लेलिस्ट। देखिए यहाँ पे पहला तो इम्पोर्टेंट टॉपिक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, और उसके बाद देखिए क्वेश्चंस है बहुत सारे, उसके बाद ये बहुत सारे क्वेश्चंस है, लेकिन इसके टॉपिक भी मैंने बहुत अपलोड किए हैं वो जैसे मतलब रिसेंटली। तो देखिए यहाँ से सीरीज ही शुरू होती है, एनालिटिक फंक्शन है, सिंगुलैरिटी है, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है, टाइप्स ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है। तो आपको सिंगुलैरिटी की अगर आप वो सीरीज देखेंगे, एनालिटिक फंक्शन सिंगुलैरिटी की, तो कोई भी सिंगुलैरिटी का क्वेश्चन आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वो टॉपिक डिस्कस किया है, आधे घंटे में आपको सिंगुलैरिटी समझ में आएगी, एक बार समझ में आई तो फिर अच्छी बात है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे वीडियोज हैं, रियल एनालिसिस के हैं, कॉम्प्लेक्स की प्लेलिस्ट, तो ऐसे अलग अलग प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप अच्छे से उस वीडियो को सर्च करके वो डेटा, मतलब वो आप उसके नोट्स भी निकाल सकते हैं ना। तो चलिए जितनी हेल्प हो सकती है मेरे चैनल से आप लीजिए ज़रूर, क्योंकि कंटेंट तो फ्री ही है, आपको सिर्फ देखना है, या फिर कोई भी चैनल जिसका टीचिंग आपको अच्छा लगता है उस चैनल का इस तरह से आप वीडियो देखिए, ऐसा रैंडमली एक एक वीडियो नहीं, तो फिर आपको टॉपिक मिलेगा, है ना। तो यही बताना था, ऑल द बेस्ट आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको एग्ज़ाम के लिए, और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, ये एग्जाम निकल जाएगा आपका। ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।